हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट के रिलेशंस एंड फंक्शंस में से एक्सरसाइज 1.4 को हल करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने इससे संबंधित प्रमुख बातों की चर्चा कर रखी है। फ्रेंड्स, यह एक्सरसाइज आधारित है द्विआधारी संक्रिया पर। द्विआधारी संक्रिया क्या होती है इसकी चर्चा हमने करी है फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में। यहाँ फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखें कि अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए परिभाषित है तो द्विआधारी संक्रिया की संख्या क्या होगी इसकी चर्चा करनी रह गई थी। फ्रेंड्स, अगर एक सेट हमारे पास दिया हुआ हो और कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार उस सेट पर परिभाषित है फ्रेंड्स, तो बताया है द्विआधारी संक्रिया में इनपुट जो होता है वह भी सेट ए से ही होता है और आउटपुट जो आता है वह भी सेट ए ही से होता है। ये इसका प्रांत होता है ए क्रॉस ए। द्विआधारी संक्रिया की संख्या जानने से पहले जान लें फ्रेंड्स कि एक फंक्शन यदि डिफाइन है ए टू बी और यदि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट या अवयवों की संख्या अगर एम है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एन है तो फंक्शन की संख्या बराबर जानते हैं फ्रेंड्स n टू द पावर m। यानी अगर a सेट में m एलिमेंट हैं जिसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं फ्रेंड्स n a इज इक्वल टू m और n b इज इक्वल टू अगर n हो तो a से b पर जो फलन परिभाषित हैं फ्रेंड्स उसकी संख्या होगी n की घात m। इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मान ले हमारे पास है पी, एन ए क्रॉस ए में एलिमेंट होंगे पी इंटू पी यानी पी का स्क्वायर, यानी प्रांत में कुल पी स्क्वायर एलिमेंट हैं, इसलिए संख्या जो होगी द्विआधारी संक्रिया की वो होगा पी की पावर पी स्क्वायर। इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगर एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया सेट ए पर परिभाषित है और सेट ए में पी अवयव यदि हैं तो सेट ए पर टोटल द्विआधारी संक्रिया की संख्या पी की पावर पी स्क्वायर होती है फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट सवाल कहता है फ्रेंड्स, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है औचित्य भी बतलाइए। मतलब यहाँ कुछ संक्रियाएं दी गई है फ्रेंड्स, उसको देखना है कि वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। फर्स्ट कहता है सेट दिया हुआ है जेड प्लस और बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित है स्टार सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस स्टार ए कॉमा बी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसको देखना है फ्रेंड्स ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। बता रखा है फ्रेंड्स द्विआधारी संक्रिया के लिए ए बी जेड प्लस से ही होना चाहिए और ए माइनस बी भी जेड प्लस से ही होना चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सबसे पहले जेड प्लस धन पूर्णांक कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि पूर्णांक ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है 1, 2, 3 ये हमारे हैं जेड प्लस यानी धन पूर्णांक।
यही हमको सेट दिया हुआ है फ्रेंड्स, और इसी सेट पर स्टार परिभाषित है। देखना है ये जो स्टार संक्रिया है क्या बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ देखें, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू है जेड प्लस, और ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए माइनस बी। ए बी जेड प्लस से हैं फ्रेंड्स, और ए माइनस बी बी भी आना चाहिए जेड प्लस से ही, लेकिन फ्रेंड्स सभी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए माइनस बी हमेशा जेड प्लस ही आए, ऐसा संभव नहीं है फ्रेंड्स। चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखें, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। एग्जाम्पल से देख सकते हैं फ्रेंड्स, मान लें यहाँ से कोई दो नंबर लेते हैं 2, 3, ये जेड प्लस से दोनों नंबर हैं, निकालते हैं फ्रेंड्स 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, जो धन पूर्णांक नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए क्लियरली यहाँ से समझें कि ये जो स्टार संक्रिया दिया हुआ है वो जेड प्लस के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए लिखेंगे स्टार संक्रिया जेड प्लस पर द्वि आधारी संक्रिया नहीं है। रीजन इसके ये है फ्रेंड्स कि सभी ए बी जो जेड प्लस से आएंगे, धन पूर्णांक से आएंगे, धन पूर्णांक के सेट से आएंगे, उसके लिए ए माइनस बी जेड प्लस से ही हर बार आएगा, ऐसा संभव नहीं है। बताया फ्रेंड्स, स्टार या बाइनरी ऑपरेशन जो होता है एक फंक्शन होता है, यानी फंक्शन में डोमेन से किसी को खाली नहीं रहना है, और ये 2, 3 जो ऑर्डर्ड पेयर हैं फ्रेंड्स, ये 2, 3 इसके प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जेड प्लस हमारा सहप्रांत है, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है फ्रेंड्स। दूसरा है फ्रेंड्स, इसमें भी सेट दिया हुआ है जेड प्लस और संक्रिया परिभाषित है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अब क्लियरली देखें फ्रेंड्स, यहाँ से जेड प्लस अभी बताया है 1, 2, 3 और इसी प्रकार से ये हमारा है धन पूर्णांक का सेट। अगर यदि फ्रेंड्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस से लें, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी जो गुना में है फ्रेंड्स, वो हमेशा जेड प्लस से ही आएंगे फ्रेंड्स। किसी भी दो नंबर को लेके देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 स्टार 3 निकालें, 2, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 3 स्टार 2 निकालें इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू 6, 4 स्टार 1 निकालें, ये 4 स्टार 1 ये हो जाएगा 4 × 1, 4, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर ही हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। यानी ये जो संक्रिया है स्टार यहाँ दिया हुआ, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है फ्रेंड्स। ये यानी द्वि आधारी संक्रिया है, क्योंकि इसमें जेड प्लस सेट दिया हुआ है, इनपुट इसी से लेंगे, सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए बी जेड प्लस से ही हर बार आएंगे फ्रेंड्स, इसलिए ये स्टार संक्रिया द्वि आधारी संक्रिया है। तीसरा देखें फ्रेंड्स, सेट दिया हुआ है आर, यानी वास्तविक संख्या का समुच्चय है जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है फ्रेंड्स, यानी कम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सारे नंबर इसमें आते हैं फ्रेंड्स, और स्टार संक्रिया हमारा परिभाषित है स्टार संक्रिया सच दैट आर क्रॉस आर टू आर। स्टार ए कॉमा बी
ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर। अब क्लियरली देखें फ्रेंड्स, रियल नंबर से कोई भी दो नंबर लेंगे ये हमेशा रियल नंबर ही आएगा फ्रेंड्स। तो चूंकि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर भी आर से ही आएंगे फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से देख सकते हैं फ्रेंड्स, रियल नंबर से कुछ भी ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें, रियल नंबर से टू स्टार थ्री अगर निकालें तो ये हो जाएगा टू थ्री का स्क्वायर। यानी यहाँ देखें ए स्टार बी ए बी का स्क्वायर, तो टू स्टार थ्री टू थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 जो भी रियल नंबर है फ्रेंड्स। और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ले लें 1/2 3/2 रियल नंबर है फ्रेंड्स, 1/2 स्टार 3/2 निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 और 9/4 ये हो जाएगा 9/8। तो ये भी रियल नंबर ही है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ जो ये स्टार संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया है फ्रेंड्स, स्टार द्विआधारी संक्रिया है। फोर्थ पार्ट में है, सेट दिया हुआ है जेड प्लस, बताया है जेड प्लस यानी धन पूर्णांक, ग्रेटर देन जीरो वाले धन पूर्णांक होते हैं यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और स्टार संक्रिया हमारा परिभाषित है जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, और स्टार संक्रिया इसमें है ए बी ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस बी। अब यहाँ अभी देखा है फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में जो इसका सवाल किया था उसमें a माइनस बी इससे नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, लेकिन मॉडुलस लगा देने से ये हमेशा जेड प्लस से ही आएंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखें फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू जेड प्लस a स्टार b इज इक्वल टू मॉडुलस a माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू होगा जेड प्लस। एग्जाम्पल से देख लें फ्रेंड्स, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ले लें 2, 3 जो जेड प्लस से है दोनों, 2 स्टार 3 अगर निकालें तो ये हो जाएगा मॉडुलस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 मॉड बाहर करेगा प्लस 1। और भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ले लें 3, 5 3 स्टार 5 अगर निकालें तो ये हो जाएगा मॉडुलस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2। तो ये भी जेड प्लस से ही रिजल्ट दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसलिए ये स्टार जो हमारा संक्रिया दिया है ये द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है और मॉडुलस का काम है पॉजिटिव रिजल्ट देना, और ये पॉजिटिव रिजल्ट ही हर बार देंगे फ्रेंड्स। अगर हम इसमें इंटीजर लेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे फ्रेंड्स। इसलिए ये स्टार संक्रिया जो दिया गया है ए स्टार बी मॉडुलस ए माइनस बी, ये बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया है। फिफ्थ पार्ट में फ्रेंड्स जेड प्लस सेट ही दिया हुआ है और ए स्टार बी इज इक्वल टू कहता है ए। अब ध्यान रखें फ्रेंड्स, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये रिजल्ट ए दे रहा है फ्रेंड्स, और चूंकि ए जेड प्लस से है तो ये जेड प्लस से ही रहेंगे फ्रेंड्स। यानी जिस सेट से ये, चूंकि जेड प्लस हमको दिया है, जेड प्लस के ए और बी हैं और रिजल्ट भी जेड प्लस से ही आ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है फ्रेंड्स। इसलिए द्विआधारी संक्रिया है। दूसरा कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमेय है तथा क्या स्टार साहचर्य है। देखते हैं फ्रेंड्स,
नंबर टू, सबसे पहले क्रम विनिमेय के लिए बताया है फ्रेंड्स, ए स्टार बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए, और साहचर्य के लिए बताया है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। क्रम विनिमय में ये रिजल्ट अगर आता है फ्रेंड्स तो हमारा स्टार क्रम विनिमय होगा, और अगर ये कंडीशन संतुष्ट होता है तो स्टार हमारा साहचर्य होगा फ्रेंड्स। पहला इसका है फ्रेंड्स, सेट दिया हुआ है जेड और द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है जेड क्रॉस जेड टू जेड, और संक्रिया हमारा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। सबसे पहले क्रम विनिमय देखें फ्रेंड्स, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी यानी एल एच एस करें अगर, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी। आर एच एस अगर करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा बी स्टार ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन करें तो ये हो जाता है माइनस ए माइनस बी। यानी क्लियरली यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ए स्टार बी ए माइनस बी है, बी स्टार ए माइनस बी है, इसका मतलब ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू है बी स्टार ए, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू है बी स्टार ए, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू है जेड। तो क्लियरली यहाँ से पता चला फ्रेंड्स कि ये स्टार संक्रिया हमारा क्रम विनिमय नहीं है, तो नहीं जवाब देंगे फ्रेंड्स इस क्रम विनिमय में। साहचर्य देखें फ्रेंड्स, साहचर्य में अगर एल एच एस निकालें तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी स्टार सी, अब ये इसको ए रखें तो ए स्टार सी ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। आर एच एस अगर करें फ्रेंड्स तो ये है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, पहले इसका काम करें तो बी स्टार सी हो जाएगा बी माइनस सी, चूँकि ए स्टार बी है ए माइनस बी, तो बी स्टार सी होगा बी माइनस सी। अब इसको ए इसको बी अगर रखें तो ए स्टार बी यानी ए माइनस बी यानी ए माइनस ये होगा, यानी इसको ब्रैकेट हटाएं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। क्लियरली यहां से देखें फ्रेंड्स, एल एच एस हमारा है ए माइनस बी माइनस सी, और आर एच एस हमारा है ए माइनस बी प्लस सी। तो यहां से पता चला कि एल एच एस इज नॉट इक्वल टू है आर एच एस के, इसलिए ये हमारा साहचर्य भी नहीं है। दूसरा देखें फ्रेंड्स, सेट दिया हुआ है क्यू और द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, और यह है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। सबसे पहले ए स्टार बी अगर करें फ्रेंड्स, ए स्टार बी तो ये है ए बी प्लस वन, बी स्टार ए करें आर एच एस तो ये हो जाएगा बी ए प्लस वन, यानी इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस वन, चूँकि प्रोडक्ट में है तो बी ए को ए बी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यानी यहाँ से पता चला कि एल एच एस ए स्टार बी ए बी प्लस वन है, तो आर एच एस यानी बी स्टार ए भी ए बी प्लस वन ही है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ से देखा कि एल एच एस इज इक्वल टू है आर एच एस के, इसलिए ये स्टार संक्रिया जो द्विआधारी संक्रिया है ये क्रम विनिमय है। साहचर्य देखें फ्रेंड्स, साहचर्य के लिए ये होना है, तो ए स्टार बी एल एच एस पहले निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है पहले इसका काम करेंगे, तो ए स्टार बी हमारा है ए बी प्लस वन, तो ये हो गया ए बी प्लस वन स्टार सी। अब इसको ए माने फ्रेंड्स, तो ए स्टार बी यानी ए बी प्लस वन,
यानी ए बी प्लस वन ये ए रहा, ये बी रहा और प्लस वन, यानी यहाँ से ये हो जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस वन। आर एच एस अगर करें फ्रेंड्स तो ये होगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार और इसके जगह पर बी स्टार सी। यहाँ देखें फ्रेंड्स ए स्टार बी, ए बी प्लस वन है तो बी स्टार सी होगा बी सी प्लस वन। अब ये इसको बी माने तो ए स्टार बी यानी ए बी प्लस वन, तो ये ए रहा बी ये है बी सी प्लस वन और प्लस वन, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए और प्लस वन, ए को अंदर भेज दिया है। तो यहाँ से देखें फ्रेंड्स ए बी सी प्लस सी प्लस वन है, ये ए बी सी प्लस ए प्लस वन है, यहाँ ये दोनों में फ़र्क है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ से पता चल रहा है कि एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो स्टार संक्रिया है साहचर्य नहीं है। तीसरा भी सेट क्यू दिया है फ्रेंड्स और द्विआधारी संक्रिया क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू से ही परिभाषित है। ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए बी बाई टू। क्रम विनिमय अगर देखें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू। अगर आर एच एस निकालें तो बी स्टार ए होगा बी ए बाई टू, इसको लिख सकते हैं ए बी बाई टू, यानी यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स एल एच एस भी है ए बी बटे दो और आर एच एस भी है ए बी बटे दो, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर है, यानी ये कंडीशन संतुष्ट हो रहा है, इसलिए ये क्रम विनिमय है फ्रेंड्स। देखते हैं इसका साहचर्य को। साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, तो एल एच एस पहले निकालें फ्रेंड्स, तो ए स्टार बी ए बी बटे दो स्टार सी। अब इसको अगर ए रखें फ्रेंड्स, इसको अगर ए रखें तो ए बी बाई टू, यानी ये पूरा ए है तो ए बी बाई टू ए का काम कर रहा है, बी ये रहा और बाई टू, यहाँ से हो जाएगा ये ए बी सी बाई दो दूना चार। यहाँ से आर एच एस अगर निकालें फ्रेंड्स तो ये ए स्टार रखेंगे, ये हो जाएगा बी सी बाई टू, ए स्टार बी ए बी बाई टू है तो बी स्टार सी बी सी बाई टू है, यहाँ से ये ए रहेगा ये बी रहेगा, यानी ये हो जाएगा ए बी बाई टू, यानी बी सी बाई टू बाई टू, यहाँ से ये भी होगा ए बी सी बाई फोर, यानी एल एच एस भी है ए बी सी बाई फोर तो आर एच एस भी है ए बी सी बाई फोर, इसलिए यहाँ से एल एच एस आर एच एस के बराबर है, इसलिए ये साहचर्य है फ्रेंड्स। ये थर्ड पार्ट था फ्रेंड्स। फोर्थ पार्ट देखें इसका। फोर्थ पार्ट कहता है सेट दिया हुआ है जेड प्लस, द्विआधारी संक्रिया हमारा परिभाषित है जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। ए स्टार बी इज इक्वल टू है टू की घात ए बी। सबसे पहले क्रम विनिमय अगर देखें फ्रेंड्स तो ए स्टार बी हमारा एल एच एस है, ये हो जाएगा टू की घात ए बी। आर एच एस अगर करें बी स्टार ए तो ये हो जाएगा टू की घात बी ए, ए स्टार बी है तो दो की घात ए पहले बी बाद में, अब गुना में है तो ए बी पहले रहे बाद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ये टू की घात ए बी लिख सकते हैं, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर है, इसलिए ये क्रम विनिमय है फ्रेंड्स। साहचर्य देखें अगर तो सबसे पहले एल एच एस चेक करते हैं। एल एच एस इसका हो जाएगा ए स्टार बी यानी टू की घात ए बी और स्टार सी। इसको अगर ए रखें फ्रेंड्स, इसको अगर बी रखें ए स्टार बी तो दो की घात दो ए बी और इंटू सी। आर एच एस अगर करें फ्रेंड्स तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्टार, ये हो जाएगा टू की घात बी सी, और इसको अगर ए रखें इसको अगर बी रखें तो ये हो जाएगा दो की घात ए इंटू टू की घात बी सी, ये रहा फ्रेंड्स।
क्लियरली यहाँ से देखें फ्रेंड्स, एल एच एस से दो की घात ए बी इंटू सी, और ये है दो की घात बी सी, यानी यहाँ से पता चल रहा है एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये जो स्टार संक्रिया है साहचर्य नहीं है। फिफ्थ पार्ट इसका देखें फ्रेंड्स, फिफ्थ पार्ट भी जेड प्लस ही है और द्विआधारी संक्रिया ये परिभाषित है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की घात बी। तो क्रम विनिमेय अगर चेक करें एल एच एस तो ए स्टार बी होगा ए की घात बी, आर एच एस अगर चेक करें बी स्टार ए तो ये हो जाएगा बी की घात ए, यानी जो पहले है वो बेस में है बाद वाला पावर में है, पहले है वो बेस में है बाद वाला पावर में है। क्लियरली यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, एल एच एस हमारा है ए की घात बी और आर एच एस हमारा है बी की घात ए, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है तो क्रम विनिमेय नहीं है फ्रेंड्स। साहचर्य इसका देखें तो साहचर्य के लिए ए स्टार बी अगर करें तो ये हो जाएगा ए की घात बी स्टार सी। अब यहाँ से ये ए रहेगा तो ए रहेगा बेस में फ्रेंड्स, देखें यहाँ ए आधार है तो ये आधार रहेगा ए बी की घात हो जाएगा सी। आर एच एस अगर देखें फ्रेंड्स तो ए स्टार बी स्टार सी हो जाएगा बी की घात सी। अब इसको अगर बी रखें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ए की घात बी की घात सी। क्लियरली यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये एल एच एस और आर एच एस बराबर नहीं है, एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है इसलिए साहचर्य नहीं है फ्रेंड्स। सिक्स्थ पार्ट इसका है, सेट दिया हुआ है रियल नंबर से माइनस एक को हटा दिया गया है और संक्रिया हमारा है द्विआधारी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस वन, यानी ए ऊपर है बी नीचे है उसके साथ प्लस वन है। सबसे पहले क्रम विनिमेय देखें फ्रेंड्स, क्रम विनिमेय एल एच एस निकालेंगे इसमें से ए स्टार बी, तो ए स्टार बी दिया हुआ है ए बाई बी प्लस वन। आर एच एस अगर निकालें फ्रेंड्स तो ये निकालना पड़ेगा हमको बी स्टार ए, तो B को ऊपर जो पहले है ऊपर है, जो पहले है ऊपर रहेगा बाद वाला नीचे एक के साथ जुट के रहेगा, यानी यहाँ है एल एच एस ए बाई बी प्लस वन, आर एच एस है बी बाई ए प्लस वन, यानी ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी एल एच एस इज नॉट इक्वल टू है आर एच एस के, इसलिए ये स्टार द्विआधारी संक्रिया जो है क्रम विनिमेय नहीं है। साहचर्य को देखते हैं फ्रेंड्स, एल एच एस निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी ये दे रहा है फ्रेंड्स ए बाई बी प्लस वन स्टार सी। अब जो पहले है ऊपर रह रहा है तो इसको ए माने इसको बी माने, इसको पहले रखें ऊपर में ए बाई बी प्लस वन और बाई सी प्लस वन, यानी ये हो जाएगा ए बाई बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। आर एच एस अगर निकालें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, पहले इसका काम करें तो पहले वाला ऊपर रखना है बाद वाले में को नीचे उसके साथ एक ऐड कर देना है। अब इसको ए रखें इसको बी रखें तो ये हो जाएगा ए ऊपर ये हो जाएगा नीचे बी बाई सी प्लस वन और प्लस वन। यहाँ देखें फ्रेंड्स ए स्टार बी हमारा है ए बाई बी प्लस वन, तो ए स्टार इसको बी रखा है तो ए ऊपर रहा बी प्लस वन। अब क्लियरली देखें फ्रेंड्स, ये एल एच एस हमारा है और ये हमारा आर एच एस है, ये कभी इक्वल नहीं आ सकता है फ्रेंड्स, इसलिए एल एच एस इज नॉट इक्वल टू है आर एच एस के, इसलिए ये साहचर्य नहीं है फ्रेंड्स। तीसरा नंबर कहता है फ्रेंड्स, एक सेट दिया हुआ है
मान लेते हैं इस सेट को, ए हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 और एक संक्रिया हमारा है ए मिनिमम बी इज इक्वल टू निम्नतम ए कॉमा बी। संक्रिया सारणी इसका बनाना है फ्रेंड्स, बता रखा है संक्रिया सारणी हम लोग बनाते हैं। ये हमारा संक्रिया है निम्नतम का, सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5। इधर भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमारा संक्रिया है फ्रेंड्स, ए मिनिमम बी यानी ए बी में जो न्यूनतम है वो रिजल्ट है इसमें फ्रेंड्स। तो एक और एक में न्यूनतम एक है फ्रेंड्स, एक दो में न्यूनतम एक है फ्रेंड्स, एक तीन में न्यूनतम एक है फ्रेंड्स, एक चार में न्यूनतम एक है, एक पाँच में भी न्यूनतम एक है, दो एक में निम्नतम एक है, दो दो में निम्नतम दो है, दो तीन में निम्नतम दो है, दो चार में निम्नतम दो है, दो पाँच में निम्नतम दो है, तीन एक में निम्नतम एक है, तीन दो में निम्नतम दो है, तीन तीन में निम्नतम तीन है, तीन चार में निम्नतम तीन है, तीन पाँच में निम्नतम तीन है, चार एक में निम्नतम एक है, चार दो में निम्नतम दो है, चार तीन में निम्नतम तीन है, चार चार में निम्नतम चार है, चार पाँच में निम्नतम चार है, पाँच एक में निम्नतम एक है, पाँच दो में निम्नतम दो है, पाँच तीन में निम्नतम तीन है, पाँच चार में निम्नतम चार है और पाँच पाँच में निम्नतम पाँच है। ये हमारा है संक्रिया सारणी, इसको बाइनरी ऑपरेशन टेबल बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी इसमें जो द्विआधारी संक्रिया हमको दिया हुआ है ए मिनिमम बी यानी ए बी में जो निम्नतम है उसको लेना है फ्रेंड्स, रिजल्ट में ए बी में जो निम्नतम है, ये रहा इसका संक्रिया सारणी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रेंड्स, एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5 और एक संक्रिया सारणी नीचे दिया गया है। स्टार संक्रिया सारणी है, संक्रिया हमारा स्टार है द्विआधारी, इधर 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, इधर भी 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ सभी में 1, 1, 1, 1 है, यहाँ है 1, 2, 1, 2, 1 और यहाँ है 1, 1, 3, 1, 1 यहाँ है 1, 2, 1, 4, 1 यहाँ है 1, 1, 1, 1 और 5। इसमें निकालना है सबसे पहले फ्रेंड्स 2 स्टार 3 स्टार 4, फिर निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। सबसे पहले इसको देखें फ्रेंड्स, 2 स्टार 3 2 स्टार 3, ये 2 है, ये स्टार है, ये 3 है, एक दे रहा है फ्रेंड्स, 2 स्टार 3 एक है स्टार 4। अब 1 स्टार 4 देखें, 1 स्टार 4 ये 1 रहा, ये 4 रहा, यानी ये दे रहा है 1, 1 स्टार 4 हमारा 1 है। यहाँ से देखें फ्रेंड्स 2 स्टार, पहले ब्रैकेट का काम करें, 3 स्टार 4 तो 3 स्टार 4 3 स्टार 4 एक है तो यहाँ 1 रखेंगे, 2 स्टार 1 एक है फ्रेंड्स तो 1 रहा, 2 स्टार 1 एक है तो 1 रहा, यानी ये रहा 2 स्टार 3 स्टार 4 1 2 स्टार 3 स्टार 4 भी आता है 1। दूसरा कहता है क्या स्टार क्रम विनिमय है, दूसरा क्रम विनिमय चेक करना है। क्रम विनिमय के लिए बताया है फ्रेंड्स ए स्टार बी,
इज इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए। अब यहाँ से देखें फ्रेंड्स, इस बाइनरी टेबल यानी संक्रिया सारणी को देखें तो दो स्टार एक बराबर है एक, दो स्टार एक बराबर है एक, तो एक स्टार दो भी है एक, एक स्टार दो भी है एक। यहाँ से देखें फ्रेंड्स, एक स्टार दो, ये रहा एक स्टार दो एक है, तो दो स्टार एक भी एक ही है। किसी को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, थ्री स्टार टू देखें, थ्री स्टार टू, यहाँ है थ्री स्टार टू, ये भी एक ही है। इज इक्वल टू टू स्टार थ्री, ये भी एक है, टू स्टार थ्री, ये भी एक ही है, यानी टू स्टार थ्री। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ए स्टार बी, बी स्टार ए के बराबर है, इसलिए ये स्टार संक्रिया जो है क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। फिर कहता है तीसरा नंबर में टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार फाइव ज्ञात करें। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले टू स्टार थ्री, ये टू है ये थ्री है, स्टार संक्रिया के अधीन ये रिजल्ट दे रहा है वन, स्टार फोर स्टार फाइव, ये फोर है और ये हमारा फाइव है, फोर स्टार फाइव ये भी वन दे रहा है और वन स्टार वन भी वन ही है। तो ये है आंसर फ्रेंड्स थर्ड का। पांचवा कहता है फ्रेंड्स, एक समुच्च है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव, कहता है एक द्वि आधारित संक्रिया स्टार ए बी ए स्टार बी इज इक्वल टू कहता है एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। क्या संक्रिया स्टार उपर्युक्त प्रश्न, मतलब इसका संक्रिया सारणी बनाना है फ्रेंड्स, मेन बात यह है, बनाते हैं संक्रिया सारणी इसका। ये हमारा स्टार द्विआधारी संक्रिया है, वन टू थ्री फोर फाइव ये सेट के एलिमेंट हैं, इधर भी एक दो तीन चार और पाँच, वन टू थ्री फोर और फाइव। अब देखें फ्रेंड्स, एक और एक का एच सी एफ, ए स्टार बी का मतलब है एच सी एफ ऑफ ए बी, तो एक स्टार एक का मतलब है, एक स्टार एक का मतलब है एच सी एफ ऑफ एक एक, बराबर एक ही आएगा फ्रेंड्स। ये एक स्टार दो, एक स्टार दो का मतलब है एच सी एफ ऑफ वन कॉमा टू, ये भी एक ही आएगा फ्रेंड्स, यानी एक स्टार एक, एक एक का एच सी एफ एक, एक दो का एच सी एफ भी एक, एक तीन का एच सी एफ भी एक, एक चार का एच सी एफ भी एक, एक पाँच का एच सी एफ भी एक। यहाँ से देख सकते हैं करके फ्रेंड्स, दो स्टार एक, दो स्टार एक यानी दो और एक का एच सी एफ, दो स्टार एक निकाले फ्रेंड्स तो फर्क नहीं पड़ेंगे फ्रेंड्स, यही रहेंगे, यानी एच सी एफ ऑफ टू कॉमा एक बराबर वन। एच सी एफ एक दो का निकालें या दो एक का निकालें, यही आएगा फ्रेंड्स, यानी दो एक का एच सी एफ एक, दो दो का एच सी एफ दो, दो तीन का एच सी एफ होगा एक। देख लें फ्रेंड्स, टू स्टार थ्री का मतलब हो गया एच सी एफ ऑफ टू कॉमा थ्री। अब दोनों में उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही है, इसलिए दो तीन का एच सी एफ एक, इसी प्रकार दो चार का एच सी एफ होगा दो, दो पाँच का भी एच सी एफ होगा एक, तीन एक का एच सी एफ होगा एक, तीन दो का एच सी एफ होगा एक, तीन तीन का एच सी एफ होगा तीन, तीन चार का एच सी एफ होगा एक, तीन पाँच का एच सी एफ होगा एक, एक चार एक का एच सी एफ होगा एक, चार दो का एच सी एफ होगा दो, चार तीन का एच सी एफ होगा एक, चार चार का एच सी एफ होगा चार, और चार पाँच का एच सी एफ होगा एक, पाँच एक का एच सी एफ होगा एक, पाँच दो का भी एच सी एफ होगा एक, पाँच तीन का भी एच सी एफ होगा एक, पाँच चार का भी एच सी एफ होगा एक, पाँच पाँच का एच सी एफ होगा पाँच।
निकाल के देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी को भी निकाल के हम दिखाया, इधर इतने को दिखाया है, आप स्वयं इसको निकाल के देख सकते हैं। ये है इसका संक्रिया सारणी। सारणी देखने से स्पष्ट पता चल रहा है फ्रेंड्स, ये हूबहू प्रश्न संख्या चार का ही सारणी बना है। सिक्स देखें फ्रेंड्स, सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का और एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है एन क्रॉस एन टू एन, और स्टार संक्रिया हमारा है ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, यानी ए बी का एलसीएम। अब इसमें पहला ज्ञात करना है फ्रेंड्स, पाँच स्टार सेवन और बीस स्टार सोलह। तो चूंकि पाँच स्टार सेवन, पाँच सात नेचुरल नंबर में है फ्रेंड्स, तो पाँच स्टार सेवन का मतलब है एलसीएम पाँच और सात का, ये हो जाएगा पाँच इंटू सात बराबर पैंतीस। इसको निकालें अगर फ्रेंड्स, बीस स्टार सोलह इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ बीस सोलह बराबर, ये हो जाएगा, यहाँ से देखें फ्रेंड्स एलसीएम इसका निकालते हैं, बीस का मतलब है दो दूनी चार और पचे बीस, और सिक्सटीन का मतलब है दो दूना चार दूनी आठ दूना सोलह, यानी दो की घात चार। तो यहाँ से एलसीएम जो होगा फ्रेंड्स बीस और सोलह का, ये हो जाएगा दो की घात चार, जो मिलता है उभयनिष्ठ उसमें मैक्सिमम पावर का लेते हैं, और ये पाँच, ये हो जाएगा सोलह गुने पाँच बराबर अस्सी। तो ये है फ्रेंड्स एलसीएम। कहता है क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है? बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ देखें हम निकाल रहे हैं, यहाँ चूँकि पाँच स्टार सात बराबर एलसीएम ऑफ पाँच कौमा सात बराबर आया है 35, तो सेवन स्टार फाइव अगर निकालें तो एलसीएम हो जाएगा सात कौमा पाँच बराबर, ये भी होगा 35 ही फ्रेंड्स। यानी इसमें इनके क्रम को बदलने से रिजल्ट नहीं बदल रहा है फ्रेंड्स, यानी ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर है। दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू है बी स्टार ए, इसलिए यह स्टार संक्रिया जो हमारा है क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है फ्रेंड्स। कहता है क्या स्टार साहचर्य है? साहचर्य के लिए बताया है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। एलएचएस देखें फ्रेंड्स इसका, ए स्टार बी स्टार सी। इधर हम एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स एन से टू थ्री और फोर, टू थ्री फोर लेते हैं फ्रेंड्स नेचुरल नंबर से, सभी नेचुरल नंबर हैं। इसका एलसीएम निकाल लें फ्रेंड्स, टू थ्री का पहले निकालें, टू थ्री का हम निकालना चाह रहे हैं। यहाँ से ए रखा है टू, बी रखा है थ्री, ये रखा है फोर, यानी टू स्टार थ्री स्टार फोर। टू थ्री का एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स, टू थ्री का एलसीएम बराबर हो जाएगा टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, ये हो गया सिक्स स्टार फोर। सिक्स और फोर का एलसीएम निकालें यहाँ से, तो ये हो जाएगा बारह, यानी ये आता है बारह। आरएचएस अगर निकालें फ्रेंड्स, तो आरएचएस है ए स्टार बी स्टार सी, यानी ए रखा है टू स्टार थ्री स्टार फोर, तो टू स्टार थ्री और फोर का एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड्स, तो थ्री फोर का एलसीएम होता है थ्री इंटू फोर बराबर बारह, तो यहाँ हो जाएगा ये बारह। अब टू स्टार बारह, यानी दो और बारह का एलसीएम अगर निकालें फ्रेंड्स, दो और बारह का, तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा छो, यानी ये हो भी होगा टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू बारह। यहाँ देखें फ्रेंड्स एलएचएस हमारा ये रहा
12 आया है, RHS हमारा ये रहा वो भी 12 आया है, यानी पता चला यहाँ से LHS RHS के बराबर है, इसलिए ये साहचर्य है फ्रेंड्स। ये स्टार संक्रिया जो हमारा है A स्टार B जो नेचुरल नंबर पर परिभाषित है, वो संक्रिया हमारा LTM ऑफ A कोमा B साहचर्य भी है और क्रम विनिमेय है। फोर्थ पार्ट इसका कहता है फ्रेंड्स, N में स्टार का तत्समक निकालना है। अब तत्समक के लिए बता रखा है फ्रेंड्स, चूँकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो A बिलोंग्स टू N, E बिलोंग्स टू N होना चाहिए फ्रेंड्स। तो चूँकि A स्टार E इज इक्वल टू हो जाए A बराबर E स्टार A, यानी E को A के साथ बाद में ऑपरेट करें या E को A के साथ पहले ऑपरेट करें, ये A ही रिजल्ट आना चाहिए फ्रेंड्स। यानी A स्टार E हो जाएगा LCM ऑफ A E बराबर भी आए A और LCM ऑफ E A भी बराबर आए A। अब क्लियर देखें फ्रेंड्स, यहाँ LCM A और E का A ही आना चाहिए। क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि A लाने के लिए E को रखना पड़ेगा एक ही रखना पड़ेगा इसमें फ्रेंड्स। यहाँ से भी देखें E को भी रखना पड़ेगा एक ही, तभी A आ सकता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से देख लें, 2 लेते हैं नेचुरल नंबर से, तो चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए होना चाहिए 2 स्टार E इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू E स्टार 2, यानी यहाँ से LCM ऑफ 2 कोमा E बराबर भी आए A 2 बराबर LCM ऑफ E कोमा 2, यानी 2 लाने के लिए E के जगह पर यहाँ एक ही रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी ये हमारा जो कंडीशन है वो संतुष्ट होगा। यानी यहाँ तत्समक एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अव्यव एक बोलता है फ्रेंड्स। और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, देखें 4 स्टार E बराबर आ जाए 4 और E स्टार 4, तो यहाँ से E बराबर यहाँ भी पता चला कि A ही रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, चूँकि 4 और 1 का LCM ही 4 आएगा, ये ध्यान रखें फ्रेंड्स। फिफ्थ पार्ट इसका कहता है फ्रेंड्स, N में कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, यानी व्युत्क्रमणीय देखना है फ्रेंड्स कि कौन सा अवयव इस प्राकृत संख्या के सेट का व्युत्क्रमणीय है। तो बताया है व्युत्क्रम के लिए फ्रेंड्स कि A कॉमा B बिलोंग्स टू N, सेट हमारा N है, और अभी देखा है फ्रेंड्स E बराबर इसमें आया है तत्समक अवयव एक जो नेचुरल नंबर में है फ्रेंड्स। ध्यान रहे तत्समक अवयव भी सेट में ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अभी देखा है इस बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव एक था, अभी निकाला है फ्रेंड्स। तो व्युत्क्रमणीय के लिए बताया है फ्रेंड्स A स्टार B बराबर आ जाए E यानी आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर B स्टार A भी आ जाए E यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव जो एक है फ्रेंड्स, ये आना चाहिए फ्रेंड्स। यानी यहाँ से A स्टार B बराबर आ जाए एक और B स्टार A भी आ जाए एक, चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ एक है। अब देखें फ्रेंड्स A स्टार B का मतलब होता है A और B का LCM बराबर एक आ जाए, और B स्टार A का मतलब होता है LCM ऑफ BA। अब देखें फ्रेंड्स A और B का LCM एक आना है या B और A का LCM, दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स। LCM AB का निकालें या BA का निकालें, बात एक ही है। तो A और B का LCM एक आए, तो क्लियरली यहां से पता चल रहा है फ्रेंड्स A बराबर B बराबर होना चाहिए 1। इसके अलावे किसी भी केस में ये LCM एक नहीं आ सकता है फ्रेंड्स नेचुरल नंबर के दो अवयवों का, सिर्फ़ A
बी एक एक होगा तभी एलसीएम एक आ सकता है फ्रेंड्स, अदरवाइज इनका कोई भी दो एलिमेंट लेके देख लें कभी भी एलसीएम एक नहीं आएगा, क्योंकि ये बी ए का प्रतिलोम होता है। यहाँ बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं, ए इन्वर्स से व्यक्त करते हैं, यानी ए इन्वर्स बराबर होगा वन, ये हमारा बी होगा यहाँ से फ्रेंड्स प्रतिलोम। तो सिर्फ यहाँ से ए बराबर वन ही व्युत्क्रमणीय है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे केवल एक व्युत्क्रमणीय है। सातवां कहता है क्या समुच एक सेट दिया है, यहाँ एक दो तीन चार और पाँच, और एक संक्रिया दिया हुआ है स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। इसको देखना है फ्रेंड्स कि क्या स्टार द्वि आधारी संक्रिया है, ये इसमें देखना है फ्रेंड्स। तो बता रखा है फ्रेंड्स द्वि आधारी संक्रिया के लिए यहाँ से दो इनपुट में आएंगे तो आउटपुट भी यहाँ से ही आना चाहिए फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखें फ्रेंड्स तीन चार इस सेट के एलिमेंट हैं, चूँकि तीन चार दिए गए समुच्चय में है, हमने ए बराबर लिया है थ्री को और बी बराबर लिया है फोर को, चूँकि ए स्टार बी बराबर है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर। यहाँ से देखें फ्रेंड्स हमको ए के जगह तीन रखना है तो थ्री स्टार बी के जगह फोर रखना है, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ थ्री कॉमा फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू बारह, यानी एलसीएम तीन और चार का आ रहा है बारह फ्रेंड्स। और बता रखा है फ्रेंड्स द्वि आधारित संक्रिया में इनपुट भी उसी सेट से होता है और आउटपुट भी उसी सेट से होता है, यहाँ इनपुट इस सेट का है लेकिन आउटपुट इस सेट का नहीं है फ्रेंड्स। डज नॉट बिलोंग्स टू वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो सेट है इसमें बारह नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि द्वि आधारी संक्रिया स्टार एक विशेष प्रकार का फंक्शन होता है फ्रेंड्स, और उसमें ये तीन चार जो इसके कार्तीय गुणन में होंगे उसका प्रतिबिंब सह प्रांत में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, इसलिए ये स्टार हमारा द्वि आधारी संक्रिया नहीं है, इसलिए स्टार द्वि आधारी संक्रिया नहीं है। आठ नंबर कहता है फ्रेंड्स सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का और ए स्टार बी बराबर है एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी यहाँ हमारा द्वि आधारी संक्रिया स्टार एन क्रॉस एन टू एन पर परिभाषित है। कहता है क्या क्रम विनिमेय है, क्या साहचर्य है, क्या एन में द्वि आधारित संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है, यानी तीन चीज़ को इसमें चेक करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें क्रम विनिमेय चेक करना है, साहचर्य चेक करना है और फिर तत्समक का अस्तित्व देखना है फ्रेंड्स। क्रम विनिमेय के लिए बता रखा है ए स्टार बी बराबर आने का बी स्टार ए, और साहचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो जाए ए स्टार बी स्टार सी। तत्समक के लिए बताया है ए स्टार ई बराबर हो ए बराबर ई स्टार ए, यानी ए भी इसमें
सेट से होना चाहिए जो दिया हुआ सेट रहेगा, और ई भी उसी सेट में होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ से देखें फ्रेंड्स, सेट हमारा है नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्रम विनिमय देखते हैं फ्रेंड्स। क्रम विनिमय हमारा है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, ए स्टार बी इज इक्वल टू है एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, बराबर इसको लिख सकते हैं एच सी एफ ऑफ बी कॉमा ए। भाई एच सी एफ ए कॉमा बी का निकालें या बी कॉमा ए का निकालें, बात एक ही है फ्रेंड्स, बराबर ही हो जाएगा बी स्टार ए, यानी ये क्रम विनिमय है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू ले लें 2, बी इज इक्वल टू ले लें 3, एच सी एफ निकालें 2.3 का या एच सी एफ निकालें 3.2 का, दोनों एक ही रिजल्ट देंगे फ्रेंड्स, इसलिए क्रम विनिमय है ये। साहचर्य चेक करते हैं, साहचर्य के लिए ए बराबर रख लें फ्रेंड्स 2, बी इज इक्वल टू रख लें 3, सी इज इक्वल टू रख लें 4, और सभी नेचुरल नंबर से हैं। एल एच एस चेक करते हैं फ्रेंड्स, एल एच एस इज इक्वल टू ए स्टार, यहाँ है एल एच एस ए स्टार बी स्टार सी, यानी ए हमारा है 2, स्टार बी हमारा है 3, स्टार सी 4 है। 2.3 का एच सी एफ 1 होगा, स्टार 4 1.4 का एच सी एफ भी 1 ही होगा। आर एच एस देखें फ्रेंड्स, ये है ए स्टार बी स्टार सी, ए हमारा 2 है स्टार बी 3 है स्टार 4 इज इक्वल टू 2.3.4 का एच सी एफ होगा 1 और 2.1 का एच सी एफ होगा 1। क्लियरली देखें फ्रेंड्स, एल एच एस भी 1 आया है और आर एच एस भी 1 ही आया है, इसलिए ये साहचर्य भी है फ्रेंड्स। ये जो नेचुरल नंबर के सेट पर ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है फ्रेंड्स, क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। तत्समक अवयव का ये है परिभाषा फ्रेंड्स, तत्समक के लिए ये भी हमको नेचुरल नंबर से चाहिए, ये भी हमको नेचुरल नंबर से चाहिए, और तत्समक के लिए है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, यानी ए स्टार ई का मतलब है एच सी एफ ऑफ ए कॉमा ई बराबर हो जाए ए, और यहाँ से एच सी एफ ऑफ ई कॉमा ए बराबर भी आ जाए ए। अब क्लियरली यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ए और ई का एच सी एफ ए चाहिए, ए और ई का एच सी एफ ए ही चाहिए। यहाँ इसको एग्जाम्पल से समझे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में लेते हैं हम ए इज इक्वल टू 2, यानी इसके हिसाब से लिखेंगे 2 स्टार ई बराबर आ जाए 2 ई स्टार 2, यानी एच सी एफ ऑफ 2 कॉमा ई बराबर हो जाए 2 बराबर एच सी एफ ऑफ ई कॉमा 2। अब ई के जगह पर अगर 4 रखें फ्रेंड्स, यानी 2 और ई के जगह पर यहाँ 4 रखते हैं, तो 2 और 4 का एच सी एफ 2 होगा फ्रेंड्स, 2 और 4 का एच सी एफ 2 होगा। ई के जगह पर 6 रखें, 2 और 6 का एच सी एफ निकालें, 2 और 6 का एच सी एफ भी 2 ही होगा फ्रेंड्स। ई के जगह पर 8 रखें, तो 2 और 8 का एच सी एफ निकालें, 2 और 8 का एच सी एफ निकालें, ये भी 2 होगा फ्रेंड्स। यानी एक ही अवयव 2 के लिए यहाँ अलग अलग आइडेंटिटी है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, बता रखा है तत्समक अवयव अद्वितीय होना चाहिए, इसलिए यहाँ ई एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ ई का अस्तित्व नहीं है,
यहाँ तत्समक अवयव नहीं होगा, चूंकि एक ही अवयव के लिए तत्समक अवयव अलग अलग हैं, चार है, छः है, आठ है। फ्रेंड्स, अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।